अब आतंकवादी रच रहे हैं देश के आर्थिक ठिकानों पर हमले की साजिश। आज तक के हाथ लगा है एक ऐसा खुफिया खत जिसमें भारतीय तेल कंपनियों पर हमले की बात कही गई है। आज तक के हाथ लगे 6 मार्च के खुफिया अलर्ट ने जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को चेताया, सुरक्षा एजेंसियां फरार आतंकी और साजिशकर्ताओं पर पैनी निगाह रखने लगी। इसी के चलते एटीएस की कार्रवाई में रियाज अली और अब्दुल लतीफ के रूप में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि पिछले दिनों मुंबई और गुजरात में आतंकवादियों को पकड़कर इस साजिश को नाकाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई और गुजरात में हमलों की तैयारी में जुटे आतंकी तो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो देश भर में ऐसे कई और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कराची में बैठे जैश के कमांडर हकीम के फरमान की राह देख रहे हैं। और अगर इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब करना है तो हाल ही में पकड़े गए आतंकियों से सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी पूछताछ करनी होगी। हरीश चंद्रा, मुंबई आज तक। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ सैयद सलाउद्दीन तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ आतंकवादियों को। आज तक के हाथ लगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में ये आतंकियों की नई खेप को जम्मू कश्मीर में हमले के लिए उकसा रहा है। मेरे साथियों, मैं उन भाइयों को, उन दोस्तों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। दुनिया की कामयाबी का, आखिरत की कामयाबी का, जिन्होंने किसी भी दौर में, किसी भी जमाने में हिंदुस्तानी लश्कर के खिलाफ जहाद करने के साथ हासिल की हो। इस खतरनाक आतंकवादी की ये सबसे ताजा वीडियो में से एक है। सूत्रों की माने तो जनवरी 2010 के आखिर या फरवरी की शुरुआत में इस वीडियो को शूट किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के इस ताजा वीडियो में ये बात तो साफ हो रही है कि किस तरह से सलाहुद्दीन कश्मीर में जहाद के लिए पाकिस्तान में बैठकर युवकों को तैयार कर रहा है। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। कर्नाटक के बायलालू में इसरो का ट्रैकिंग स्टेशन, जहां चंद्रयान अभियान की सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। मंगलवार तड़के इसरो के स्टेशन में सनसनी मच गई। इस स्टेशन के बाहर दो संदिग्धों को दिखने और गोलीबारी की खबर आई और सुरक्षा बलों ने फौरन इस इलाके को घेर लिया। आतंकियों के निशाने पर रहे इसरो के स्टेशन पर गोलीबारी की इस खबर से हड़कंप मच गया। I think the team is there investigating the matter, but there was no danger to the establishment. CISF, I believe, is in charge of the security, and I've asked the CISF to do another review of the security arrangements and. उधर जांच के बाद कर्नाटक पुलिस ने कहा है कि सेंटर के बाहर संदिग्धों की गोली चलाने के कोई निशान नहीं मिले। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस वी विल फाइनलाइज द केस। रोहिणी स्वामी और सुष्मिता के साथ इमरान कुरैशी, बैंगलोर, आज तक।